उनको मैं अपील करता हूं कि इमरान खान को रिलीज करें, वो दहशतगर्दी का मायर है और वो आपके मशीयत को भी ठीक कर लेगा। अपनी आंखें खोलें और इमरान खान को रहा करें। सर आप हमारी मुखालिफ पार्टी के हैं, आप इसलिए ये बात करते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं आप ये कहें कि वो दहशतगर्दी के मैं आपको बता रहा हूँ सर के 3.5 साल उसकी हुकूमत थी, सिर्फ एक ड्रोन हमला हुआ था, अमेरिका ने एक ड्रोन हमला किया और उस नर के बच्चे ने क्या किया, यहाँ के CIA के चीफ पे FIR भी काटा और 4 महीने नेटो और अमेरिका की सफाई भी बंद कर दी। किसी को जरूरत ना हो सकी कि दोबारा वो दहशतगर्दी करे। ये पिछले 2.5 साल से जो खून खराबा पश्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हो रहा है, सर हमसे हमारे बच्चे सवाल करते हैं कि ये मुल्क किन के हाथों में और ये कौन चला रहा है, तो हमारा जवाब ये है कि जब आप सही लीडरशिप को आप प्रमोट नहीं करेंगे, जेन्युइन लीडरशिप को आप प्रमोट नहीं करेंगे और फॉर्म 47 के थ्रू आप इस मुल्क को रूल करेंगे तो यही हाल होगा। सर पिछले दोनों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चैलेंज था सर, जिस तरह इस्लामाबाद और दूसरे पाकिस्तान के शहरों को बंद किया गया था, खुदा की कसम हम घर घर से बड़ी मुश्किल से निकले थे, हमने कहा कि क्या हो गया, हमें पता ही नहीं था कि चेलम पे भी इतना ज़बरदस्त, ये अगर इन शोरश ज़दा इलाकों में अगर इस किस्म के ये हमारे इंटीरियर मिनिस्टर या दूसरे सिक्योरिटी एजेंसी वाले अगर ये इकदाम उठाते तो इस तरह हाल ना होती जिस तरह हम दर्जनों के दर्जनों लाशें उठा रहे हैं। सर मैं हमारे इंटीरियर मिनिस्टर का ये हाल है कि कंटेनर के थ्रू तो इस्लामाबाद को तो बंद कर सकता है, लेकिन सर उसको क्रिकेट से भी फरासत नहीं है, कभी इंग्लैंड में होते हैं, कभी स्विट्ज़रलैंड में होते हैं, कभी आयरलैंड में होते हैं, कभी सर पिंडी के स्टेडियम में बैठे रहते हैं और क्रिकेट का वो कबाड़ कर दिया, क्रिकेट का वो कबाड़ कर दिया सर कि हम बांग्लादेश जैसे कमजोर टीम से भी हार गए हैं। दूसरी सर खुदा के वास्ते हमारे, मैं चूंकि कबायली इलाके से हूँ और ये गधे पालना माल मवेशी ऊंट ऊंट ये हमारे सर वो हमारी तरफ कहते हैं कि गधा जब घर से गुम हो जाते हैं गधा तो वो रात को आंखें बंद कर लेता है, तो सर वो समझते हैं गधा के मैं किसको नहीं देख रहा हूँ तो मुझे भी कोई नहीं देख रहा है। खुदा के वास्ते मैं ये जो इख्तदार में बैठे हुए लोग हैं उनको मैं अपील करता हूँ कि इमरान खान को रिलीज करें, वो दहशतगर्दी का मायर है और वो आपके मशीयत को भी ठीक कर लेगा। अपनी आंखें खोलें और इमरान खान को रहा करें। थैंक यू इमरान खान साहब, एक जुमले पे नजरसानी कर लें और इसको रिपीट कर दें, जो आपने कहा दहशतगर्दी का मायर है ये ना कहें, कोई और जुमला बना। सर आप आप हमारी मुखालिफ पार्टी के हैं, आप इसलिए ये बात करते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं आप ये कहें कि वो दहशतगर्दी के मैं आपको बता रहा हूं सर के 3.5 साल उसकी हुकूमत थी, सिर्फ एक ड्रोन हमला हुआ था, अमेरिका ने एक ड्रोन हमला किया और उस नर के बच्चे ने क्या किया, यहाँ के CIA के चीफ पे FIR भी काटा और 4 महीने नेटो और अमेरिका की सफाई भी बंद कर दी। किसी को जरूरत ना हो सकी कि दोबारा वो दहशतगर्दी करे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो है और उसके अफगानिस्तान में इतनी से है, इतनी से है अफगानिस्तान में, वो उसको पीर उस्ताद मानते हैं। मुझे करेक्ट करने दें आपका जुमला, आप ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान साहब दहशतगर्दी के खात्मे में महारत करने का मायर है, यही कह रहा हूं। हाँ बस ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दहशतगर्दी का मायर है सर मायर सर चलें अगर आप इंसिस्ट करते हैं।